अब हम आते हैं कि जीएसटी का जो लॉ बनाया है उसमें क्या क्या चीजें स्पेशल देखने लायक है जीएसटी लॉ के बारे में हम बात करेंगे सबसे पहला तो यह है कि पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है जीएसटी में वो एंड टू एंड इलेक्ट्रॉनिक मोड में होगी देर विल बी नो मैन्यूअल फाइलिंग ऑफ रिटर्न अलाउड देर इज नो मैन्यूअल फाइलिंग ऑफ रिटर्न अलाउड पूरा का पूरा एंड टू एंड जो है इलेक्ट्रॉनिक होगा पान बेस्ड रजिस्ट्रेशन होगा जीएसटी में जो रजिस्ट्रेशन नंबर हम दे रहे हैं वो रजिस्ट्रेशन नंबर का कंपोजिशन ऐसा है कि उसके अंदर ही दस डिजिट का जो पान नंबर होता है वो जीएसटी का जो टोटल फिफ्टीन कैरेक्टर का जो नंबर है फिफ्टीन डिजिट का जी नंबर जी नंबर वो जी नंबर के अंदर पान नंबर अंदर है सो इट इज़ ए पार्ट ऑफ द जी एस टी एन रजिस्ट्रेशन नंबर पान सो विदाउट पान नो बडी कैन टेक रजिस्ट्रेशन ऑफ जी एस टी विदाउट पान इट्स नॉट अलाउड सो दिस इज़ वन थिंग दैट इज़ देअ आपको बीस लाख से ऊपर का टर्न ओवर है तभी रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत है लेकिन अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना चाहते तो बीस लाख ,00 से नीचे भी आपका टर्न ओवर है तो भी आप रजिस्ट्रेशन वॉलेंट्रिली करा सकते हैं लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपको रिटर्न भरना पड़ेगा हर महीने तो ये पॉसिबिलिटी है अगर आप अप्लाई करते हैं जीएसटी एंड रजिस्ट्रेशन के लिए नया फॉर्म है तो ऑल डॉक्यूमेंट्स आर टू बी गिवन ऑनलाइन ओनली और तीन दिन के वो जैसे ही आप फाइल करेंगे मान लो आज के दिन में फाइल किया आपने एप्लीकेशन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन तो वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा जिसको भी वो केस जाना है स्टेट गवर्नमेंट वाले उसको तीन दिन के अंदर एग्जामिन करके अगर कोई क्वेरी है तो तीन दिन के अंदर आपको बता देंगे ई से कि भाई ये ये आपका मिसिंग है और अगर कोई क्वेरी नहीं आती है तो तीन दिन के अंदर जी का सर्वर ऑटोमेटिक वो जनरेट करके रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करके आपको तुरंत बता देगा तीन दिन के अंदर सो इट इज़ ए डीम्ड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इन मोस्ट केसेस देअ बी नो नीड फॉर टेलिंग यू एनीथिंग बिकॉज जो डॉक्यूमेंट आपको देना है वो आपने दिया है और उसके कारण आपको और कोई विद इन थ्री डेज यू विल गेट अ रजिस्ट्रेशन नंबर इस तरह का सिंपल रजिस्ट्रेशन रखा है एक इनवॉइस मैचिंग का भी हमने प्रोविज़न रखा है अगर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट चाहिए तो इनवॉइस वाइज मैचिंग करेंगे हम वो प्रक्रिया मैं आगे जाके आपको थोड़ा समझाऊंगा कि ये इनवॉइस मैचिंग का जो प्रोविज़न है काफ़ी सारे व्यापारी लोग शायद ये आपके पास आए भी होंगे ये कह के भाई ये तो बड़ा डिफिकल्ट है और क्यों हमारे ऊपर क्यों बोझ डाला जाएगा बट मैं आपको समझाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि इन्वाइस मैचिंग इज़ नॉट ए ग्रेट थिंग वो बहुत सिंपल चीज है मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में एक प्रक्रिया के जरिए नेक्स्ट इज़ की जो है वो सेट ऑफ ऑटो पॉपुलेटेड मंथली रिटर्न तो रिटर्न की पूरी प्रक्रिया भी मैं आपको अलग से एक प्रोसेस में समझाऊंगा अभी मैं इसको छोड़ देता हूँ जैसे कि मैंने बताया टैक्स पेयर को सिर्फ क्वार्टरली रिटर्न भरना है उनको इन्वाइस वाइज डिटेल भी नहीं देनी है उनको सिर्फ टर्न देना है अपना कि तीन महीने में टर्न कितना हुआ वो देना है जी एस टी प्रैक्टिसनर की भी एक प्रोविज़न है कि जो कि आपके बिहार पे छोटे ट्रेडर के बिहार पे जी एस टी प्रैक्टिसनर को रिकॉगनाइज़ किया जाएगा दे कैन फाइल रिटर्न ऑन योर बिहाब तो अगर आपके पास ये सुविधा नहीं है कि मैं खुद रिटर्न हैंडल कर सकूं तो जी एस टी प्रैक्टिसनर का एक प्रोविज़न रखा है एक्ट में ही रखा है तो जी एस टी प्रैक्टिसनर जो है आपको मदद कर सकता है उसके अलावा हम काफ़ी सारी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस में हेल्पलाइन रखने वाले हैं और फिज़िकल सेंटर्स फॉर हेल्पिंग यू हैंड होल्डिंग के लिए कि अगर आपको कोई भी तकलीफ पड़ रही है तो उस ऑफिस में आके वहाँ के कंप्यूटर से बैठ के भी आप अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं इस तरह के कुछ फिज़िकल सेंटर्स भी रखेंगे और हेल्पलाइन नंबर तो स्टेट और सेंटर का रीजनल लैंग्वेज में भी होगा जो अपने अपने स्टेट में रीजनल लैंग्वेज में भी होगा स्टेट का और हमारा भी सेंट्रल जो हेल्पलाइन uh, सेंटर है वो भी रहेगा एक कॉन्सेप्ट है कि जी जीएसटी ने जी सुविधा प्रोवाइडर जो है उनको सिलेक्ट किया है कम बीडिंग के द्वारा प्रक्रिया के द्वारा एक सिलेक्शन प्रोसेस के द्वारा जिसमें जी सुविधा प्रोवाइडर जो है वो एक यूनिक सॉल्यूशन बनाएंगे सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन जो कि हर ग्रुप की नीड्स को पूरा करें अलग अलग ग्रुप की अलग अलग नीड के लिए एक टूल बनाएंगे सॉफ्टवेयर टूल बनाएंगे और वो टूल के माध्यम से वो ऐसा सॉफ्टवेयर व्यापारियों को और इंडस्ट्री वाले को देंगे कि अगर आप अपना अकाउंट्स उसमें रखें तो ऑटोमेटिक मंथ पूरा होते ही वो रिटर्न में परिवर्तित हो जाएगा और आपको कोई अलग से कोई रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है इस तरह का जी पी इसको हम बोलते हैं जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर तो जीएसपी जो है वो आ, उसका भी 34 ऑफ देम आर ऑलरेडी एनलिस्टेड एंड आई थिंक इन द राउंड टू दे आर अगेन ओपनिंग दी थिंग सम मोर स्टार्टअप्स एंड सम मोर कंपनीज वांट टू कम फॉरवर्ड तो उनके लिए एक सेकेंड राउंड भी ये लोग जी के लिए खोल रहे हैं उनके अलावा जो जी वाले अपना अपना प्रोडक्ट जो बना के लोगों की सुविधा के लिए उपलब्ध कराएंगे उनके अलावा भी एक ऑफ़लाइन टूल जी ने खुद बना के पब्लिक डोमेन में वो रखने वाले हैं वो पब्लिक डोमेन में आ जाएगा एक खुद का जो जी का खुद का सॉफ्टवेयर सिंपल है एक्सेल सीट में अगर आप अपने सब इन की डिटेल रखेंगे जिस फॉर्म में जी आपको दे रही है ऑफलाइन टूल तो उसमें अगर आप अपना अकाउंटिंग एंट्री करेंगे इनवाइस वाइज तो वो उस फॉर्म में है कि वो सीधा का सीधा रिटर्न में परिवर्तित हो जाएगा तो आपको जब पहला रिटर्न फाइल करना होगा तब वो सीधा का सीधा उसके साथ एक बार कनेक्टिविटी पाँच मिनट के लिए आपको चाहिए पूरे महीने में नहीं चाहिए आपको कनेक्टिविटी रिटर्न फाइल करने के लिए एक महीने में एक बार पाँच मिनट के लिए मैं आपको समझाऊंगा कैसे ये होगा टैक्स जो है आप कोई भी ऑनलाइन प्रक्रिया यूज़ करके कर सकते हैं आर टी जी एस एन ई एफ टी भीम वट एवर यू नो यू वॉन्ट टू यूज़ एनी ऑनलाइन मेथोडोलॉजी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड और अगर वो भी नहीं है तो आप चेक से ओवर द काउंटर भी दे सकते हैं बट नथिंग इन कैश दस हज़ार तक का कैश पेमेंट भी आप काउंटर पे बैंक में कर सकते हैं टैक्स का पेमेंट लेकिन ज़्यादातर लोग तो ऑनलाइन ही पे करेंगे कुछ ऐसी कैटेगरी है जिसके लिए टी डी एस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का प्रोविज़न है ई कॉमर्स कंपनी के ऊपर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स का भी प्रोविज़न है टी सी एस सोटी डी एस एंड टी टी सी एस इसके माध्यम से भी एक ऑडिट ट्रेल करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि जिससे बाद में वो रिटर्न जरूर हमारे पास आए और उसका टैक्स पूरा का पूरा भुगतान किया जाए जैसे ई कॉमर्स कंपनी अगर कोई छोटे एम का माल बेच रहे हैं अपने पोर्टल से और उस माल का पेमेंट अगर वो स्वीकार कर रहा है डायरेक्ट पेमेंट नहीं जा रहा है वो एमएसएमई को पेमेंट तो वो ई कॉमर्स कंपनी ही ले रही है तो उस पेमेंट जो उनको मिला वो पेमेंट मिला जो ई कॉमर्स कंपनी को एग्रीगेटर को उस पेमेंट में से वो टू परसेंट टी वो काट लेंगे और फिर बाकी का पेमेंट नाइन्टी एट परसेंट का वो एम को देंगे जो पेमेंट आया उसमें से और वो एम जो उद्योग है वो फिर उसकी जिम्मेवारी रहेगी कि वो रिटर्न फाइल करे इसका और ये टू परसेंट जो काटा गया है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले ले इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा इसका लेकिन ऑडिट ट्रेल क्रिएट हो जाएगा इसीलिए ई कॉमर्स कंपनी के केस में भी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स का प्रोविजन रखा है रिफंड इज टू बी ग्रांटेड विद इन सिक्सटी डेज जहां भी रिफंड उपस्थित होता है वहाँ सिक्सटी डेज में देना है लेकिन एक्सपोर्ट के केस में नाइन्टी परसेंट ऑफ द प्रोविजनल रिफंड विल बी गिवन विद इन सेवन डेज इफ इट इज एक्सपोर्ट रिफंड केस आई एम क्लेमिंग रिफंड बिकॉज आई हैव एक्सपोर्टेड सम गुड्स तो नाइन्टी परसेंट विलोट टू बी रिफंडेड विद इन सेवन डेज जैसे कि बाकी सब टैक्स के केस में भी होता है कि अगर रिफंड टाइम से नहीं आया तो सरकार सिक्स परसेंट उस रेट से इंटरेस्ट देने का भी प्रोविज़न एक्ट में है एंड रिफंड विल नॉट बी गिवन टू एनीबडी बाई चेक इट विल गो इन टू योर बैंक अकाउंट ओनली एंड इसीलिए जी एस टी नंबर लेने के टाइम ही हमने बैंक अकाउंट की पूरी डिटेल ले ली है उनसे एनी एफ वो उनका जो ब्रांच का नंबर आईएफएससी कोड उनका बैंक अकाउंट नंबर तो उसी अकाउंट में उनके अकाउंट में रिफंड चला जाएगा देर इज़ नो नीड फॉर एनीबडी टू गो टू एनी ऑफिस एंड से मेरा रिफंड का चेक दे दो जो लोगों का ऑफिस के साथ का व्यवहार है वो पूरा इसमें संभव मतलब वो होगा ही नहीं वो ऑनलाइन रिफंड मिल जाएगा आपके अकाउंट में आ जाएगा किसी को आने की ज़रूरत नहीं है देन नेक्स्ट इज़ की जो ट्रांज़िशन प्रोविज़न है वो भी रखा गया है नो ट्रांज़िशन प्रोविज़न ऐसे है कि जैसे पहली जुलाई को जीएसटी लागू होगा अब उस दिन मैं एक ट्रेडर हूँ मैं मैन्युफैक्चरर हूँ मेरे पास कुछ स्टॉक पड़ा है जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक्साइज ड्यूटी और वेट पर पे करके बैठा हूँ ऑलरेडी मैंने एक्साइज ड्यूटी और पे वेट कुछ पे किया हुआ है तो उसका भी तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना चाहिए जी में तो उसके लिए प्रावधान करने के लिए ट्रांजिशन रूल बनाया है इसको बोलते हैं हम ट्रांजिशन रूल और वो ट्रांजिशन रूल्स अगर आपके पास पूरी रिसीट है कि आपने वेट और एक्साइज ड्यूटी पे किया है तो 100 परसेंट आपको वो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी और अगर आपके पास रिसीट नहीं है बाय चांस क्योंकि यू गॉट इट इनडायरेक्टली बाय समबडी एल्स तो फिर आपको 40 परसेंट मिलेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट तो विदाउट इन्वाइस ऑल्सो आप क्रेडिट ले सकते हैं उस माल का कि उस माल के ऊपर जो नॉर्मल रेट होता है उसका फोर्टी परसेंट आपको मिल जाएगा तो ये ट्रांजिशन रूल्स है जॉब वर्क के लिए एक स्पेशल प्रोसीजर है काफ़ी लोग तो जॉब वर्क ही करते हैं भले ही बीस लाख से ऊपर का जॉब वर्क कर रहे हो लेकिन जो जॉब वर्क कर रहा है जैसे टेक्सटाइल में है काफ़ी लोग यान में से कपड़ा बनाने का फैब्रिक बनाने का पावर लूम पे काम कर रहा है वो सब जॉब वर्क लेते हैं यान उनका खुद का नहीं है यान किसी बड़े लोगों का है उनको देते इतना स्पिंडल देते बोलते हैं कि आप मुझे कपड़ा बना के दो और इतना रेट हम आपको देंगे कपड़े बनाने का तो जॉब वर्क कर वर्कर पावर लूम वाले तो जॉब वर्क वाला चाहे साठ लाख से ऊपर का भी माल पैदा कर रहा है तो भी उनके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है जॉब वर्कर के ऊपर वो पूरी लाइबिलिटी वो उनके ऊपर है सिर्फ जॉब वर्क के लिए कुछ हिसाब किताब रखना है कि ये जॉब वर्क में जा रहा है और जॉब वर्क में वापिस आ रहा है तो जॉब वर्कर जो है उसका प्रॉफिट तो कम होता है लेकिन उसका कारोबार की वैल्यू शायद बीस लाख से बढ़ जाएगी जॉब वर्कर की तो जॉब वर्क वाले को, को कोई कंप्लायंस बर्डन नहीं आएगा ये ध्यान रखा गया है एक्ट में फिर एक सिस्टम बनाया गया है जीएसटी कंप्लायंस रेटिंग की जैसे हमने बोला ना कि हम इनवॉइस को मैच करेंगे और अगर इनवॉइस मैच नहीं हो रहा है तो फिर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट पहले तो दे देंगे लेकिन एक महीना वेट करने के बाद रिवर्स कर देंगे तो मैं आपको समझाऊँगा और अगर ऐसे व्यापारी के साथ आपका नाता पड़ा कि जिसने आपसे तो टैक्स ले लिया लेकिन उसने सरकार में आपका वाउचर दिखाया नहीं और सरकार में उसने टैक्स नहीं पे किया तो ऐसे व्यापारियों का ट्रैक रिकॉर्ड देखने के बाद कि उसका डिफॉल्ट रोड डिफ़ॉल्ट रेट कितनी बार हुआ कितने ट्रेडर के साथ वो कंप्यूटर खुद ढूंढेगा उसका और उसके आधार पे हर व्यापारी का रेटिंग होगा ए ग्रेड बी ग्रेड सी ग्रेड डी ग्रेड इस तरह का एक रेटिंग होगा जो भी इनका वो प्रणाली है तो कंप्लायंस रेटिंग बोलते हैं इसको सो so दैट जब आप दूसरी बार किसी व्यापारी के साथ डील कर रहे हैं उनका माल खरीद रहे हैं तो आप देखेंगे कि इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है और जो बार बार डिफॉल्ट करते हैं किसी को माल बेचने के बाद वो टैक्स सरकार में जमा नहीं करते तो उनका लो कंप्लायंस रेटिंग होगा ऐसे लोगों से आप दूर रह सकते हैं और नेक्स्ट टाइम डील करने में ध्यान रखेंगे और कंप्यूटर खुद इसको बना देगा क्योंकि कंप्यूटर को मालूम है कि किस जी एस नंबर का कितना डिफ़ॉल्ट हुआ उसके आधार पर तुरंत बन जाएगा एंड फाइनली ऑफ कोर्स एंटी प्रोफिटरिंग प्रोविज़न रखा है जो कि आप जानते हैं कि व्हाट इज़ एंटी प्रोफिटियरिंग प्रोविज़न सिर्फ एक्ट में ये कहा है कि जब भी अगर कोई सरकार जीएसटी के आने से टैक्स में कटौती करती है तो वो घटोती आपको कंज्यूमर को पास डाउन करनी है इतना ही सिंपल एंटी प्रोफिटरिंग प्रोविज़न है फिर ये कहते हैं बी पार्ट में दिस इज ए पार्ट क्योंकि जब हमने नियम बनाया कि आप पास डाउन करोगे और अगर किसी केस में नहीं हुआ तो फिर उसके ऊपर ध्यान रखने के लिए कुछ तंत्र भी तो बनाना पड़ेगा तो उसके लिए हमने ये कहा है कि वो काम देखने के लिए या तो हम एक एग्जिस्टिंग एजेंसी को ये काम दे सकते हैं या फिर कोई नया तंत्र भी जीएसटी काउंसिल डिसाइड कर सकता है कि नया तंत्र बनाए मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बहुत ज़रूरत पड़ेगी इस इस एंटी प्रोफिटरिंग प्रोविज़न के प्रोविज़न को यूज़ करने की क्योंकि ज़्यादातर आइटम कॉमोडिटी ऐसी है जो कि कॉम्पिटिटिव एन्वायरमेंट में पैदा होती है कॉम्पिटिटिव एन्वायरमेंट में बनती है तो कॉम्पिटिशन इट इज ए गुड एंटी प्रोफिटियरिंग प्रोविज़न इसलिए इसकी ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए